हाय गाइस, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि मैं आज शॉपिंग के लिए गया था, फिर बहुत कुछ काम था जो कंप्लीट करना था आज, बिकॉज ऑफ लास्ट डे था। डेकोरेशन मैंने आपको दिखा दिया, और आज मैं जितना भी मैंने शॉपिंग किया है वो तो है, आपके जो पूजा के जो सामान होते हैं, फ्लावर्स वगैरह तो कल सुबह आ जाएगा, और ये सब करना है हमें कल। तो आज हम पप्पा को लेने जाएंगे, अब पप्पा सब कुछ रेडी है, और आज जो जो भी जितना भी मैंने सामान लाया उससे कुछ कुछ मैं आप सब लोगों को निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो आजकल एक पूरा पैक मिल जाता है, ये पूजा सामग्री का पूरा पैक मिल जाता है। ये मैंने मॉल से लिया था, या कहाँ से नहीं, दुकान से लिया था, पूजा के दुकान से। तो ये मैंने अभी खोला है, बिकॉज मुझे आरती की थाली रेडी करना है पप्पा के लिए। और मैं लाया हूँ ये लाइट एलईडी वाला है, 15 मीटर का ये लाइट है, आप देख सकते हो, ये लाइट मैं लाया हूँ। और ये आपका आई गेस ये आपका 150 या 180 मुझे पड़ा है, और मैं ये से 5 लाया हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट तो ये सब कपड़े वपड़े हैं पूजा के लिए, हाँ। और एक चीज़, मुझे बड़ा अखंड दिया चाहिए था, तो वो तो बहुत आउट ऑफ प्लेस बोल रहे थे सब लोग, इसलिए मैंने सोचा कि मैनेज कर लेंगे करके। सो मैंने अखंड दिया तो मैं लाया हूँ, इतना बड़ा नहीं लाया। आई होप ये हो जाएगा, और ऐसा ही कलर थोड़ा डैमेज रहता है, ये हो जाएगा। तेल कम ही आएगा, मैं बहुत चेक, मैंने बड़ा लेना था मुझे, बट मैं ले नहीं पाया, तो मैं ये ले आऊँ, और इसको मैं चेक करते रहना पड़ेगा, और इधर से हमें ये आगा लेना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। मैंने अखंड या पहले यूज नहीं किया है सच में, बस इतना ही सब था। और क्या दिखाऊं मैं आपको, पूजा का सामान, बाकी मैं अभी लाइटिंग करूंगा, उसके बाद हम पापा को लेने जाएंगे, और बन चुके हैं रात के 12, और कोई ना 12-1-2 बजे भी सब लोग लेने जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम लेट हो गए पहले, मतलब लास्ट ईयर या उसके पहले हम 7-8 बजे तो पापा को लाते थे, तो इस बार थोड़ा लेट हो गया, इट्स ओके। सो मैं आपको मिलूंगा लाइटिंग के वक्त, और एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा है वो। मंडप लगाओ या जो बेडरूम है उधर मंडप लगाओ, ये देखिए, ये बिकॉज थोड़ा दरवाजा के पास है, सो हल्ला वल्ला होगा, या हम आरती वारती करेंगे तो लोगों को सुनाई देगा, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। या अभी जिधर मंडप है इधर से मैं सोच रहा हूँ कि हम ये सब खाली कर दे, और इधर ही मंडप रहे, देख सकते हो आप इधर ही रहे, तो ये कंफ्यूजन है, क्या करूँ अब, सोचना पड़ेगा। पर पप्पा को हम अभी ला के विराजमान कर देते हैं उधर, और सुबह जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो गाइस फिर से एक बार दर्शन कर लीजिए हमारे डेकोरेशन का, ये है डेकोर, और ये है लाइट के साथ ऐसा दिख रहा है, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताओ। लाइट थोड़ा मतलब स्मॉल हो गया, बोर्ड हमारे पास नहीं है, इसलिए दिक्कत आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, बट अब हम तैयारी कर रहे हैं इधर पापा को लेने जाने के लिए। ये इधर मॉली, ये मैंने घर से लेके आया था लास्ट ईयर का आइटा, और एक है, और ये जो मैंने नया थाली लेकर, ये हमारा पेट है, मैंने जो बोला था ना पूरा सामान दिया गया है, तो ये तो आप हम इधर लेंगे, और पीठ पर तो ये हमें बिछाना पड़ेगा, सो ये भी हम लेंगे। तो अभी मैं दोस्तों थाली रेडी कर रहा हूँ, और ये आई गेस इधर हो जाएगा, ये मुझे बहुत टेंशन था। और ये कपूर, ये छोटा छोटा कपूर मिला है भाई हमें, और बड़े बड़े लेने पड़ेंगे, ये तो मतलब थकने वाला है भाई, 45 पे मुझे इससे अच्छा मिलता, मैं ये क्यों ले लिया पता नहीं। सो ठीक है, आरती करना है पप्पा का, चावल लेना है, ठीक है, तो हम यू चले और यू आए।
फाइनली फाइनली एक साल वेट करने के बाद पापा फिर से हमारे घर आ रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ करूँगा नहीं करूँगा, पापा को लाना है नहीं लाना है, होगा नहीं आएगा, पापा आएगा नहीं आएगा। फाइनली पापा आ गए, अब आगे क्या होगा कितना कुछ देखना पड़ेगा, मुझे झेलना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, फिर भी लेट्स सी। तो आप सब लोगों को हम मिलते हैं, बिकॉज बाहर बहुत रश होंगे, मिल पाएंगे कि नहीं पाएंगे पता नहीं, बट लेट्स सी, अगर मिल पाए तो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। पापा हमारा आ गया है, जो मैंने बोला था आपको थोड़ा सेंसेस का वो हो गया, फिर से हमने गया रात को और फिर हम वापस आए और अब इधर देख सकते हैं पापा विराजमान हो चुके हैं इधर, और हम थोड़ा मतलब ये ठीक कर रहे हैं कि कौन सा साइड कितना अच्छा होगा, सो लेट्स सी क्या होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं